गुड आफ्टरनून टू ऑल। देखिए अभी हम आपके पाठ पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ दो अभ्यास सागर पर आइए। अभ्यास सागर में पाठ दो, अभ्यास सागर में पाठ दो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 निकालेगा। इसके पहले बन चुका है, यहां से बकवास स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। पुस्तकें, सड़कें, चित्रों, फलों, चिट्ठियों। देखिए आजकल पुस्तकें, पुस्तकें, उसके बाद में सड़कें, ऐसे आते हैं सब पुस्तकें, सड़कें, चित्रों, फलों, इसमें अनुस्वार लगा हुआ है। यहाँ पर अनुस्वार जब बताए गए नियम के अनुसार अनुनासिक लगना चाहिए, चंद्र बिंदु लगना चाहिए कि जिसका उच्चारण मुंह और नाक से हो अनुनासिक होता है, इसमें लगना चाहिए, लेकिन लगेगा नहीं। तो इसमें है क्या कि शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगा और वहां चंद्र बिंदु लगाना, तो चंद्र बिंदु को जगह बिंदु लगाते, इसमें ही है। अगर शीरो रेखा के ऊपर कोई मात्रा हो और वहां पर उच्चारण में अगर अनुनासिक भी आता हो तो अनुस्वार ही लगाते हैं, नासिक नहीं। क्योंकि कभी देखे हैं कि ऐसे होता है चंद्रबिंदु लगा हो, नहीं, चंद्रबिंदु का उच्चारण करेंगे लेकिन लगेगा बिंदु, यहाँ लगेगा बिंदु, चंद्रबिंदु नहीं लगेगा। तो इसी नियम को यहाँ बताया गया है, यदि इन शब्दों के अंतिम अक्षर को बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है, इन शब्दों के अंतिम अक्षर को बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए कि पुस्तकें, सड़कें, चित्रों, फलों, चिट्ठियों, इन शब्दों के अंतिम अक्षर को बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है और नाक दोनों से, और नाक दोनों से, मुंह और नाक दोनों से, या मुंह और नाक से, और नाक से, या दोनों नाली के तक नाक से, ऐसे लिख सकते हैं, और नाक से। आपके पुस्तक में जितना जगह हो वैसा ही मुंह और नाक से, अनुनासिक बोलने में मुंह और नाक से, अब केवल अनुस्वार बोलने में नाक से, अनुस्वार को बोलने के लिए केवल नाक से, अनुनासिक को बोलने के लिए मुंह और नाक से। पहले बताए गए नियम के अनुसार इन अक्षरों पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए था, कौन सा चिन्ह आना चाहिए था, अनुस्वार आना चाहिए, नहीं अनुनासिक आना चाहिए, अनुनासिक आना चाहिए। जिस प्रकार से नियम बताया गया है उसके अनुसार अनुनासिक आना चाहिए, चंद्रबिंदु आना चाहिए। इन अंतिम अक्षर का कौन सा चिन्ह आया है, अनुस्वार, अनुस्वार आया है, क्योंकि अगर सिर रेखा के बाद कोई मात्रा होता है उसमें अनुनासिक चिन्ह नहीं होता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है इसका नियम, आप अपनी पुस्तक में देखेंगे लिखा हुआ है, याद रखिए, किसी यदि किसी वर्ण को बोलते समय आवाज मुंह से और नाक दोनों से निकले मगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो वह अनुनासिक की जगह अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि चिन्ह के ऊपर कोई मात्रा हो तो कभी चंद्र बिंदु नहीं होगा, वहां बिंदु ही होगा, जैसे यहाँ पर साकिन, साकिन। अब यहाँ पर बिंदु नहीं रहेगा, कणकें, तो ये नियम है।
अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए शब्दों के अनुनासिक दुस्वार अनुनासिक लगाए हैं, संपादक संपादक मैंने मैंने ने मैं तो मैंने तिथिया तिथिया पूछ पूछ पूछिया पूछिया सुंदर सुंदर मालाओं मालाओं तारे तारे ऊंचा इसमें अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह लगाना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, ऊपर में तो हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 16 अभ्यास सागर। अब क्वेश्चन नंबर 16 नीचे के शब्दों को सही रूप लिखिए, कौन है अब यहां पर देखते हैं कि लिखा है पौधने पौधने, लेकिन होता है कौन धने, अनुस्वार लगेंगे कौन धने, उसके बाद साप्ताहिक लिखा हुआ है, जबकि होता है साप्ताहिक, ऐसे होगा साप्ताहिक साप्ताहिक। मस्तिष्क लिखा है, तो होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क उसके बाद कीजिए कीजिए पूर्ति पूर्ति पड़ेगा पड़ेगा ठीक है। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए, हिंदी में कितने वचन होते हैं, दो, एक वचन बहुवचन, एक है तो एक वचन, एक से अधिक हो गया तो बहुवचन, हिंदी में दो वचन होते हैं ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम से कि जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं ठीक है, वचन का अर्थ होता है संख्या, जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते, जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, लेकिन हिंदी में दो होते हैं, एक है तो एक वचन, एक से अधिक हो गया तो बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 17 बातें
बाद का क्या होगा? बातें, कुर्सी, कुर्सियां, कुर्सी का क्या होता है? कुर्सियां, कुर्सी का कुर्सियां, हाथ पर, हाथों पर, हाथ पर, हाथों पर, कविता, कविताएं, कविता का कविताएं, साधु को, साधु को, साधु को, साधु को, कहानी, कहानियां, कहानी, कहानियां, यहाँ संपादक, संपादक, मैंने, तिथियां, सूचियां, कर, मलाओं, कार्य, आप इसको नोट कीजिए पहले, आप इसको लिखिए। सभी बच्चे समय से जुड़े, बहुत सारे बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। आप समय से जुड़िए तब अच्छा रहेगा। पांचवी कक्षा की परीक्षा देते समय आपने किन कठिनाइयों का सामना किया, इनके बारे में बता दो, अपने मित्र को पत्र लिखें। अब आप लोग अभ्यास साधक ने पाठ तीन निकाली, इसमें पढ़ना है संज्ञा व भेद, इसमें पढ़ना है संज्ञा और भेद। तो आपको संज्ञा और भेद के बारे में जानना है। इस पाठ में हम लोग संज्ञा और भेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले जानिए संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा शब्द का क्या रूप है? नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के पांच भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। लिखिए कॉपी में। देखिए व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को, नाम को किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के इसको रफ कॉपी में लिखना है।
हेयर को भी मैं ही लिखू, अभी रफ पर लिख लो, हेयर कर लेना। ठीक है सर। अभी रफ पर लिखो, हेयर कर लेना। किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, जैसे जैसे राम पटना गंगा बाजार, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण, पटना गया बाजार, मैंने पांच भेद होते संज्ञा के, पांच भेद होते संज्ञा की हो पांच भेद होंगे। संज्ञा के पांच भेद होंगे, पहला व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, नामवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञावाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के पांच भेद होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे क्लास में चर्चा करेंगे, इसको अच्छे से पहले याद कीजिए, ठीक है।